नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय की लापरवाही से गणित और समाज शास्त्र का पेपर हुआ लीक, आक्रोशित छात्रों ने जमकर काटा बवाल। 6000 छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों से हुए मायूस वापस। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। डीएम ने कहा, जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। संतोष साहनी के हत्यारोपी टिंकू पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। अब यूपी में भी लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। 3 स्कूलों में लगाए गए सब्सिडी रेट पे किताबों के कैंप। उच्च गुणवत्ता के साथ होगी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। भाई की हत्या का आरोपी 15000 का इनामी, वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। सीओ खदरी ने किया खुलासा। जल जमाव की समस्या से परेशान थोक दवा विक्रेताओं का टूटा शब्द, किया सड़क जाम। सरकार ने डाली मदरसा बोर्ड परीक्षा में होने वाली नकल पर नकेल। परीक्षा में पहले ही 2 दिन में ही 30% परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, एसएसपी ने कहा एक अपराधी हो गया है गिरफ्तार, बाकी की धरपकड़ है जारी। एमआईएम ने जम्मू और उन्नाव कांड के विरोध में किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे संपन्न होगी जिला सैनिक बंधु की बैठक। और याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, सपाइयों ने मनाया उनका 91वां जन्मदिन, किया श्रद्धा सुमन अर्पित। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उस समय आनन फानन का माहौल सामने आ गया जब बीएससी के गणित प्रथम वर्ष के पेपर लीक होने की सूचना सोशल मीडिया और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही मंगलवार को विश्वविद्यालय पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और लचर परीक्षा प्रणाली के विरोध में छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया, जम के नारेबाजियां की और परीक्षा नियंत्रक के निलंबन की मांग को लेकर डटे रहे। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि मंगलवार की सुबह पहली पारी में बीएससी द्वितीय वर्ष की गणित की परीक्षा होने वाली थी, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र लीक हो गया। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो एहतियात के तौर पर मंगलवार को ही होने वाली द्वितीय पाली में बीए प्रथम वर्ष के समाज शास्त्र के परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। दोनों परीक्षाओं के निरस्त होने पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति के कार्यालय पर पहुंचकर जम के नारेबाजियां की। आक्रोशित छात्रों को समझाने के लिए लगातार चीफ प्रॉक्टर गोपाल प्रसाद और प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कैंट भी मौके पर मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की इस व्यवस्था के बारे में छात्र नेता शिवशंकर गौर ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपनी मांगों को रखा और कहा, अरे सर आप तो इसी बात पर बोल रहे हैं, आप किसान हैं, आप लीड चले तो बता, जितने न्यूज वाले हो तो बता रहे हैं, आप लोग मान रहे नहीं मान रहे नहीं पता। अगर पेपर लीक हुआ है तो जब तक जांच नहीं होती है तब तक परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त किया जाए, इसके अलावा हम लोग की
कोई मांगे आप किस का बात सुनेंगे सुन लीजिए लिखित रूप में दे दीजिए जब तक जांच चल रही है परीक्षा नंतर अगले पद से हट जाए तब तक सुनेंगे तो बोलिएगा नहीं जांच के बाद बोलिएगा तुमने स्वागत है बोलिएगा सर बोलिएगा सर करा दे सही होगा मैं ये बता हमने दिया हमारे गवर्नमेंट काफी लाते वर्किंग डे के दिन भी अपने ऑफिस में बैठे नहीं है परीक्षा के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र का पेपर नकल माफिया और परीक्षा नियंत्रण विश्वविद्यालय प्रशासन के साठगांठ के कारण निरस्त कर दिया गया है लीक हो गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कि बार बार प्रशासन कह रही थी कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे लेकिन ये परीक्षा नियंत्रक महोदय ए कुलपत जी ए उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारीगण आपका परीक्षा विहीन यही है कि आप पेपर लीक कर देते हैं तत्काल इस्तीफा दीजिए और विश्वविद्यालय प्रशासन माफी मांगे बच्चों। मामले को तूल पकड़ता देख कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने छात्रों को समझाते हुए उन्हें ढाढ़स दिया और धीरज रखने को कहा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए सुबह ही उच्च स्तरीय टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही सारा का सारा मामला सामने आ जाएगा और आगामी 19 अप्रैल को ये सूचना दी जाएगी कि ये जो परीक्षा निलंबित हुई है निरस्त हुई है ये कब कराई जाएगी। उधर जब इस संजीदा मामले की पड़ताल करने के लिए गोरखपुर न्यूज ने प्रति कुलपति एसके दीक्षित से बात करनी चाही तो वो पहले तो असहज महसूस किए लेकिन किसी तरह फिर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि गणित की परीक्षा निरस्त हुई है और एहतियात के तौर पर द्वितीय पाली में होने वाली समाजशास्त्र की परीक्षा को विश्वविद्यालय की ओर से निरस्त किया गया है। इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा निरस्त हुई है जरा इसके बारे में बता दीजिए। क्यों क्यों की गई है पेपर लीक होने की बात आई वो सावधानी के तौर पर किया गया है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो अगर कहीं भी 1% भी कोई गड़बड़ी इस प्रकार की आई उसको जाँच की जाएगी। छात्रों का सीधा आरोप है कि पेपर लीक हो गया है दो दो विषयों का लीक हो गया है हजारों विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक हुआ है जी एक को जो है सावधानी के रूप में डाला गया है। ठीक है किसका लीक हुआ आप मान रहे हैं किसको मैथमेटिक्स। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कुल 305 महाविद्यालय हैं जिसमें मंगलवार को ये परीक्षा होनी थी। परीक्षा में कुल 6000 विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले थे लेकिन विश्वविद्यालय की प्रशासनिक लापरवाही से ये विद्यार्थी केंद्र पर पहुंचकर मायूस लौट गए। जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन सदर तहसील सभागार में संपन्न हुआ। तहसील दिवस में लगभग आधा दर्जन अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए उनका स्पष्टीकरण तलब किया है और अंत तक अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का वेतन भी रोका है। तहसील दिवस में विलंब से पुलिस अधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्ष लीड बैंक मैनेजर पहुंचने पर उन्हें चेतावनी भी दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि तहसील दिवस में अधिकारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाए। तहसील दिवस में सभी जिला स्तरीय अधिकारी अवश्य भाग लें। यदि किसी कारण से वो तहसील दिवस में नहीं आ पाते हैं तो पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर लें और किसी सक्षम को प्रतिनिधि नामित कर भेजें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अगले तहसील दिवस के पूर्व ही कर लें।
उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों की समीक्षा की जाए और थानाध्यक्ष गुलरिया झंगहा, समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अधिकारी, आबकारी, लीड बैंक के मैनेजर को उनमें से संबंधित शिकायतों का 24 घंटों में निस्तारण करने की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मौके पर SP नॉर्थ रोहित सिंह, PD यशवंत सिंह, DDO बबन उपाध्याय, डिप्टी CMO डॉक्टर AK पांडे एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस तहसील समाधान दिवस का संचालन SDM राहुल पांडे कर रहे थे। कुल मिलाकर 160 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी K. विजयन पांडे ने बताया कि जमीनी विवाद से संबंधित मामले अधिक आए थे, जिसका निस्तारण श्रावस्ती मॉडल से किया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने बताया, ¡Gracias!
दिवस नहीं हो पाया था। एक नोडल ऑफिसर आपने रुपा को वो आए, वो वही रहेगा, बार बार वो बदल के आदमी नहीं आएगा। पीडब्ल्यूडी मान लीजिए एक्सएल नहीं आ पाए, उनके नीचे कोई ऑफिसर आना चाहिए था यही जेई लेवल का, वो जो यही है वो नहीं चेंज होगा, पूरे साल का वही यही आएगा हर जगह। शिकायत मिली है उससे ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है, 20-25 हम लोग मौके पर निस्तारण कर लिए, बाकी का अभी तो 14 दिन समय है उसी के अंदर निस्तारण कर लिए। ज़्यादातर शिकायत जमीन संबंधित शिकायत था, उसको हम लोग 16 तारीख से ये श्रावस्ती मंडल में अभियान चला रहे हैं, उसी पर निपट जाएगा। तहसील दिवस में यार सारे विभाग के अधिकारी यहाँ रहेंगे, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, जो कितने हल्के मामला होता है आज ही निपटाने का उसका मकसद है, इसलिए तो आज तो 20-25 मामला तो मौके पर निपट गए, इसलिए तो इसका मकसद यही है एक ही जगह सारे। शाहपुर थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल को हुई संतोष साहनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए शाहपुर पुलिस और स्वात टीम ने हत्या आरोपी टिंकू पासवान उर्फ राधा कृष्ण पासवान पुत्र सतीश चंद्र निवासी मोहद्दीपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन में इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि 15,000 का इनामी हत्या का वांछित अभियुक्त टिंकू पासवान उर्फ राधा कृष्ण पासवान पुत्र सतीश चंद्र निवासी मोहद्दीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त टिंकू पासवान जमीनी विवाद में अपने साथियों के साथ संतोष की हत्या में शामिल था। मामले का पूरा खुलासा करते हुए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने बताया ये 8 अप्रैल की रात में घटना हुई थी, चुंको निषाद संतोष थानी की थाना शाहपुर के अंदर घटना हुई थी, करीबन 11 बजे की घटना थी। घटना में डेड बॉडी की शिनाख्त के बाद घर वालों को इन्फॉर्म किया गया था, उनके द्वारा 302 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, एक जने को नामजद किया गया था और इसके अंदर कुछ लोग अज्ञात थे। घटना का अनावरण किया गया, इस घटना के अंदर एक मुख्य अभियुक्त टिंकू पासवान इसको गिरफ्तार किया गया है। घटना का मोटा जो कारण निकल के आया है वो ज़मीन को लेकर कशीदगी का है, इसके अंदर जो मृतक पक्ष है और अभियुक्त पक्ष है दोनों अलग अलग पक्षों से एक ज़मीन को लेकर जो डिस्प्यूट था उसके अंदर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो मृतक पक्ष है इसको पैसा मिलना था, इस पैसे को देके आनाकानी चल रही थी और इस कशीदगी को लेके जो घटना का दिन है उस दिन दोनों पक्षों के बीच में फिर जो है हाथपॉक हुई और इसके बाद जो अभियुक्त पक्ष है वो गोली मार के वहाँ से फरार हो गया। उसके अंदर गोली मारने से लेके बाकी लोगों के नाम भी आइडेंटिफाई हो गए, साथ साथ उन लोगों के करणदाताओं के नाम भी आइडेंटिफाई हो गए। टिंकू पासवान के ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था, जो शेष वांछित रह गए उनको भी अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जो अभी तक ज़मीन है ये मोहद्दीपुर एरिया की ज़मीन है और इस व्यक्ति को करीबन 5,00,000 जो इस इंटरोगेशन में बताया कि 5,00,000 रुपए इनके अंदर मिलने थे। एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी थी, उसके बेटे ने उसके ऊपर आपत्ति की, आपत्ति होने के बाद दोनों जो खरीदने वाला था क्रेता विक्रेता पक्ष की तरफ से ये दोनों लोग अलग अलग पक्ष से लगे थे, सुलह हुआ। लेकिन इस व्यक्ति को जो अभी इसने घटना का कन्फेशन किया उसने ये बताया कि सुलह का पैसा नहीं मिला था, इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद चला। तिवारी ऋषि के घर पर ही घटना हुई है और ऋषि तिवारी को सबसे पहले तो जो घर वाले उन्होंने नामजद किया है, ऋषि तिवारी जो है वो भी एक पक्ष से कोरिलेटेड है और अभी जैसा मैंने बताया इसके शुरुआती इंटरोगेशन में ये सारी चीज़ें आई हैं, शेष लोग की गिरफ्तारी के बाद इसके अंदर एग्जैक्ट रोल उसका और क्या है उसके ऊपर हम लोग। यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू करने जा रही है। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी, जो कि निश्चित रूप से एक उच्च मानक के तौर पर मानी जाती है और इन्हीं में से प्रतियोगी परीक्षाओं के अधिकांश सवाल भी पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से यूपी की सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम भविष्य में प्रदेश के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देगा और साथ ही उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं में परीक्षा के लिए पहले से ही उनकी नींव मजबूत करेगा। गोरखपुर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सभी पुस्तकें सब्सिडी की रेट पर मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके लिए महानगर के 3 अलग अलग स्कूलों में बाकायदा कैंप लगाया गया है। ये स्कूल हैं जुबली इंटर कॉलेज, एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज और एमपी इंटर कॉलेज। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि
कोई भी छात्र इन विद्यालयों में लगे कैंप में जाकर बहुत ही रियायती दर पर अपनी पाठ्यपुस्तकें खरीद सकता है और सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया। बेटी के लिए नाटक में पढ़ती है और सरकारी किताब है ये, मार्केट से सस्ती है ये, इसके लिए लेने आते हैं। तो क्या मार्केट में इसका रेट कैसा है, यहाँ पे किस रेट पे मिला आपका? यहाँ कम रेट का मिला है, सरकारी किताब कम रेट में मिला है, मार्केट में तो महंगी रेट है। और मैं प्रताप इंटर कॉलेज में बुक लेने आया हूँ और मुझे ये बुक मिला है और दो बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इससे आपको क्या मार्केट में ये सब अवेलेबल नहीं है क्या? मार्केट में अभी नहीं मिला और इसके साथ गार्ड की बुक मिल रही है और गार्ड के साथ नहीं मिला। फंड की योजना है जिसके हिसाब से एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें क्योंकि वो दी जा रही हैं, वो बांटी जा रही है इसमें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो वहाँ पर जो रिटेलर थे होलसेल पर होलसेलर पास में सब बच्चे पहुँच नहीं पाए थे, तो हमें तीन कॉलेज में एमपी इंटर कॉलेज और हमारा जो हेड इंटर कॉलेज है और उसके बाद में जो हमारा है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज है, क्योंकि अब कैंप लगा दिया है, तीन बच्चों को चाहिए, कहीं कहीं भी आके यहाँ पे किताब प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे 9 से 12 के बच्चे आते हैं, जैसी डिमांड होगी अगर ज़्यादा डिमांड होगी बच्चों की तो उन्हें पढ़ा देंगे। खजनी थाना क्षेत्र में भाई द्वारा भाई की हत्या के मामले में तीन पहले से ही गिरफ्तार किए अभियुक्त में से आज चौथे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को खजनी पुलिस ने कटघरे तिराहे पर हत्या में वांछित 15,000 के इनामी अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी बरवल माफी थाना खजनी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 315 बोर का एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए सीओ खजनी रचना मिश्रा ने बताया। 2017 11 नवंबर को थाना खजनी के ग्राम बरवल माफी में एक हत्या का मुकदमा लिखा गया जिसमें 4 अभियुक्तों की नामजदगी हुई, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। मेन अभियुक्त सुनील सिंह जिसने अपने सगे बड़े भाई की हत्या की थी उसकी गिरफ्तारी शेष थी, उस पर एसएसपी महोदय ने 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। कल रात में इंस्पेक्टर खजनी और उनकी टीम हम लोगों की सुरागरशी पतारशी के कारण मेन अभियुक्त सुनील सिंह की गिरफ्तारी हुई, आज उसको गिरफ्तार कर दी जेल भेजा जा रहा है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए। भलोटिया मार्केट जो कि गोरखपुर का सबसे बड़ा दवा का मार्केट है, ये खुद ही बीमार होता जा रहा है। यहाँ पर जलजमाव की ये स्थिति है कि यहाँ के व्यवसायियों को आज सड़क पे उतरना पड़ा। सड़क जाम होने पर अफरा तफरी मच गई।
और आनन फानन में मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता संघ के महामंत्री आलोक चौरसिया ने और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, लेकिन रोज साफ होती है, रोज पानी आता है।
अभी थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई है, टेलीफोन वाले में हुआ है। आपने हम लोग की बैठक भी कराई थी, राजीव रोतेला जी को भी दिया था, कमिश्नर साहब को दिया था, हम आप ही को देखे हैं तो इधर देखो, आपको भी रोज गिर रहा है, बुजुर्ग महिलाएं बहुत छोटी पत्ती भाई, हाँ तो पाइप जो भी समाधान पाइप कोई बदलने नहीं देगा तभी तो होगा, क्यों नहीं बदल मामला यहाँ कई वर्षों से लंबित है। बलोडिया में पूर्वांचल के सबसे बड़े दवा मंडी होते हुए सबसे ज्यादा अपेक्षित है। सबसे बड़ा दुखद कारण तो ये भी है कि नगर निगम सामने होते हुए किसी अधिकारीगण की निगाह हमारे बलोडिया मार्केट पर पड़ता नहीं है। आज यहाँ पे देख ले जल जमाव की स्थिति यह है कि दुकान के अंदरों तक पानी जा रहा है। इसकी लड़ाई हम लोग विगत कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी के अधिकारी के साथ नहीं रहते। आज देख लीजिए यहाँ पे 30 वर्षों से अधिक हो गया जहाँ पे एक विद्युत तार बदल नहीं है। तारों का जखीरा इतना ज़्यादा है कि किसी दिन में कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम हो सकता है। पानी अंदर जा रही है, जर्जर सड़क है, कहीं भी लैंप पोस्ट पे कहीं लाइट नहीं है, दो एक लैंप पोस्ट जलता है। इतनी बड़ी मंडी में एक सिग्नल तक नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है, रोज आए दिन पानी गिरता है, जिससे व्यवसाय तो प्रभावित होता ही है। आपका प्रदर्शन किसके खिलाफ और क्या किए हैं आज आप? हमने नगर निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन है, कारण है क्योंकि उत्तरदायी संस्था वही है जिसको ये कार्य सबको सुचारू रूप से हल कराना है। इधर नगर निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन है और आज मजबूरी कोई खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में बाध होकर हमें मंडी बंद करना पड़ा है। और अगर यही हाल अगर मंडी के अंदर आपने घुस नहीं पाएगा तो व्यवसाय क्या होगा, और जब व्यवसाय नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है जाके फिर अनिश्चितकालीन में बंदी के लिए हम जाने के लिए बाधे होंगे। रास्ता भी जाम किया, रास्ता जाम देते हैं तो नहीं, हम यहाँ पे अपना एक प्रतीकात्मक उसमें बैठे हुए हैं जिससे एक संदेश जाए, हमें आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, उनके सुचारू जीवन में हमें कोई हस्तक्षेप करना नहीं है, हमें केवल इतना मतलब है कि हमारा कार्य संपन्न होना चाहिए, हम व्यवसाय को भी एक सम्मानजनक तरीके से अपना व्यवसाय करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दिया मार्केट है यहाँ पे दवा व्यवसायी है, यहाँ पे बगल में जो सिवाय होटल बना है, सिवाय होटल का पानी जो है जिस समय अचानक बहुत ज़्यादा आता है तो ये पानी बलोदिया मार्केट में भर करके भरने लगता है। यहाँ पे 6 इंच की पाइप लाइन है, उस पाइप लाइन में होटल का पूरा पानी नहीं जा पाता है, तो व्यापार मंडल के मांग पे जो है पूरी पाइप लाइन को हम बदलने जा रहे हैं। 6 इंच पाइप लाइन की जगह वहाँ 1.5 फीट मोटी पाइप लाइन डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे जो सीवर जा रहा है उसमें प्लास्टिक भर जाने की वजह से सीवर चोक हो गया है, तो उसको भी जो है वैक्यूम स्वीपिंग मशीन से जो है उसको भी खुलवाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटों के अंदर में स्थिति सामान्य है। सर तमाम बहुत सालों से तुरंत वहाँ रहती है, यहाँ पे एक्चुअली जो सीवर लाइन पड़ी है वो 6 इंच की पड़ी हुई है और ये 40 साल पहले से पड़ी है, और आपस में मार्केट का, बलोदिया मार्केट का, बगल में सिवाय होटल वालों का आपस में विवाद की वजह से यहाँ पे वो नई लाइन पड़ने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आज ये तय हुआ है कि यहाँ पे नई लाइन डाल दी जाएगी। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर ही काम चालू कराने जा रहे हैं, तुरंत नई लाइन। चलिए ब्रेक में जाने से पहले दोबारा नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय की लापरवाही से गणित और समाजशास्त्र का पेपर हुआ लीक, आक्रोशित छात्रों ने जमकर काटा बवाल, 6,000 छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों से हुए मायूस वापस। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस, डीएम ने कहा जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। संतोष साहनी के हत्यारोपी टिंकू पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। अब यूपी में भी लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, 3 स्कूलों में लगाए गए सब्सिडी रेट पे किताबों के कैंप, उच्च गुणवत्ता के साथ होगी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। भाई की हत्या का आरोपी 15,000 का इनामी, वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ खजनी ने किया खुलासा। जल जमाव की समस्या से परेशान थोक दवा विक्रेताओं का टूटा शब्द, किया सड़क जाम।
सरकार ने डाली मदरसा बोर्ड परीक्षा में होने वाली नकल पर नकेल। परीक्षा में पहले ही दो दिन में ही 30% परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। एसएसपी ने कहा एक अपराधी हो गया है गिरफ्तार, बाकी की धरपकड़ है जारी। एमआईएम ने जम्मू और उन्नाव कांड के विरोध में किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे संपन्न होगी जिला सैनिक बंधु की बैठक। और याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, सपाइयों ने मनाया उनका 91वां जन्मदिन, किया श्रद्धा सुमन अर्पित। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलवार को जिले के विभिन्न केंद्रों पर चल रहे मदरसा बोर्ड की परीक्षा में अब तक कुल 30% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मदरसा बोर्ड की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच संचालित की जा रही है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों की मनमानी नहीं हो पा रही है और परीक्षा छोड़ने पे वो मजबूर हो गए हैं। मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रथम पाली में चल रहे मदरसा बोर्ड की परीक्षा में मौलवी के लिए 125 विद्यार्थियों में से 90 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 35 ने परीक्षा छोड़ दी। तो वहीं मुंशी के लिए कुल 21 परीक्षार्थियों में से 17 ने परीक्षा दी और 4 ने इस परीक्षा को छोड़ दिया। द्वितीय पाली में परीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सभी कक्षाओं में चल रहे परीक्षा का निरीक्षण किया और विद्यालय के परीक्षा व्यवस्थापकों से परीक्षा संबंधी जानकारियां ली। बताते चले कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा 16 अप्रैल से शुरू हुई है जो 28 अप्रैल को जाकर समाप्त होगी। परीक्षा जिले के कुल 10 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें से 49 मदरसों के 3532 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय कुमार मिश्र और परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने कहा, हम लोग ने लाव में किया लाइट हिसाब के स्थान वाले टेबल में सर आज खाली 5 बजे सर। हम लोग पेपर खत्म नहीं हुआ है सर, जिसमें से आज जो है 4
पूछा था कल जो आठ मोहम्मद सदीक एग्जाम में बच्चा चुपचाप काम करे पूछे पड़ा है कि बार बार डिस्ट्रिक कहाँ पाया जाए जहाँ वो चिपका है दूसरी बार लगा एक से बीस तक लगवा लिया जिसका इसका रहेगा उसका होगा जिसका नहीं रहेगा उसका ना खाली वहाँ भी तो जगह खाली है एक तो ऑफिस में बैठे आप क्या रहेगा ठीक है अगर हमारे अफसर घर वहाँ बैठे ये कौन सा एग्ज़ाम दिया आपने मौलवी का कैसा रहा पेपर इंतज़ाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सही था इंतज़ाम कैसे हैं आपके इंतज़ाम भी माशाल्लाह सही था क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद अनस है कौन सा एग्ज़ाम था ये मदरसा बोर्ड का इम्तहान था जी और माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हुआ उन लोगों का बहुत अच्छा इंतज़ाम था यहाँ का क्या नाम है आपका इकरा हाँ कौन सा एग्ज़ाम था ये मौलवी का बढ़िया हुआ अच्छा हुआ इंतज़ाम ठीक ठाक है मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 2018 की 16 यानी कल से शुरू हो गई हैं और ये 28 अप्रैल तक चलेंगी इस सेंटर पे एमएसआई इंटर कॉलेज में कुल 832 बच्चे दोनों पालियों मिला के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और अभी चूँकि आपने स्वयं देखा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से नकलविहीन तरीके से परीक्षाएँ सम्पन्न हो रही हैं ऐसी कोई बात संज्ञान नहीं आ रही है कि कहीं पे नकल की कोई कार्रवाई हो रही है जनपद गोरखपुर में उन 10 परीक्षा केंद्रों पर 49 मदरसों के 3532 परीक्षार्थी जो परीक्षा में उन्होंने आवेदन किया था
उत्पन्न हुई है उसके प्राप्त अनुपस्थित के अनुसार मैं अच्छा काम नहीं पूछा अच्छा छोड़ी है, क्योंकि इस बार परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रदेश शासन द्वारा पर्याप्त तैयारी के बाद परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही है। सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जा रही है और कल भी हमने 5 परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया था। निदेशालय से संयुक्त निदेशक महोदय भी जनपद में आए, उन्होंने भी 2 परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया था। सब जगह पर नकल विहीन शांतिपूर्ण परीक्षा पाई गई और शक्ति का ही परिणाम है कि अच्छा छात्राओं की परीक्षा द्वारा रविवार की रात गुलरिया थाना के अंतर्गत पड़ने वाले हरसेवकपुर नंबर 2 चौहान टोला में उसी रात 2 दोस्तों के बीच विवाद हो गया और शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे को गोली मार दी। खून से लथपथ युवक को हत्यारे मित्र ने ही इलाज के लिए चारपहिया वाहन से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम आपको बताते चले कि रविवार की रात में ही गांव के किसी एक व्यक्ति द्वारा 100 नंबर पर सूचना दिए जाने पर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, सीओ चौरीचौरा, एसओ गुलरिया, इंस्पेक्टर शाहपुर घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन करनी शुरू कर दी। हत्यारे मित्र व उसके परिजन रात से ही फरार थे। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है, बाकी अभियुक्तों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए बताया के अंदर परसों रात में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, संदीप चौहान नाम के व्यक्ति। इस घटना के अंदर घर वालों ने 2 लोगों को नामजद किया गया था। अभी उसमें से एक नामजद जो है संदीप चौहान जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है और जो दूसरा साथी है उसका भी शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास है। क्या निकल गया है अभी इनसे, जस्ट अभी गिरफ्तार हुआ है, अभी पूछताछ इससे जस्ट चालू करी है और ये पूर्व में ही परिचित एक दूसरे को जानते रहे हैं। अब इनके पास असला कहां से आया और उस असले से कैसे घटना हुई ये पूछताछ के बाद हम आपको क्लियर करेंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसल्लमीन ने जम्मू कश्मीर में आसिफा के सामूहिक जघन्य कांड और उन्नाव जिले में हुए दुष्कर्म के बाद पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के विरोध में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मंगलवार को जिला अध्यक्ष एमआईएमआई के वजीरुल्ला अंसारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजियां की। इस मौके पर संगठन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष वजीरुल्ला अंसारी ने बताया, जो आज है पर आसिफा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नाव के बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो। एम जिंदाबाद को फांसी दो, फांसी दो। नाव के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। हमारा नाम वजीरुल्ला अंसारी है। ये जम्मू कश्मीर में जो मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ और उन्नाव में जो बलात्कार हुआ, जुर्म हुआ, उसके खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एमआईएम के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं और ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय को, ताकि इस तरह की जो घटनाएं को अंजाम देते हैं उनको कठोर सजा दी जाए, वरना अपराधियों को हौसले बुलंद होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, सूचना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधुओं की बैठक की जाएगी, जिसमें जिले के सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। ये जानकारी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने दी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवादी आंदोलन के अग्रज नेता चंद्रशेखर की 91वीं जयंती महानगर में सपाइयों द्वारा मनाई गई। गोरखपुर के सपा कार्यालय पर उपस्थित सपा के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, महासचिव जवाहर प्रसाद मौर्य,
जिला सचिव जय प्रकाश मौर्य, उपाध्यक्ष मिर्जा करीम बेग, प्रदेश सचिव अभिमन्यु यादव, राम नारायण और सूर्यभान शर्मा सहित अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से आकर स्वर्गीय चंद्रशेखर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए गए समाजवादी पथ पर चलने की प्रतिज्ञाएं भी ली। श्रद्धांजलि सभा के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी पार्टी समाजवादी व्यक्ति थे और उन्होंने आजीवन समाजवाद किया, समाजवाद ओढ़ा, समाजवाद पाना, पूर्वांचल की माटी से और देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक जो सफर उन्होंने तय किया, बहुत ही झंझावात स्थिति में तय किया। और एक शेर उनका याद आता है जब वो इस्तीफा दिए थे कि उन्होंने कहा कि माना कि हम चमन को आबाद न कर सके, कुछ खार तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। तो देश के कम समय में उन्होंने बागडोर देश की संभाली, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय चंद्रशेखर जी ने देश को ठीक रास्ते पर, समाजवाद के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास किया। इसलिए हम आज उनके इस जयंती पर समाजवादी लोग श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं उनके चरणों में और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा जहाँ भी है, वो हमेशा हम लोग अनुकरणीय हम लोगों के लिए रहेगी और हम लोग याद करते हैं। चलिए चलने के पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय की लापरवाही से गणित और समाज शास्त्र का पेपर हुआ लीक, आक्रोशित छात्रों ने जमकर काटा बवाल, 6000 छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों से हुए मायूस वापस। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस, डीएम ने कहा जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। संतोष साहनी के हत्यारोपी टिंकू पासवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। अब यूपी में भी लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, 3 स्कूलों में लगाए गए सब्सिडी रेट पे किताबों के कैंप, उच्च गुणवत्ता के साथ होगी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। भाई की हत्या का आरोपी 15000 का इनामी, वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ खदरी ने किया खुलासा। जल जमाव की समस्या से परेशान थोक दवा विक्रेताओं का टूटा शब्द, किया सड़क जाम। सरकार ने डाली मदरसा बोर्ड परीक्षा में होने वाली नकल पर नकेल, परीक्षा में पहले ही 2 दिन में ही 30% परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, एसएसपी ने कहा एक अपराधी हो गया है गिरफ्तार, बाकी की धरपकड़ है जारी। एमआईएम ने जम्मू और उन्नाव कांड के विरोध में किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे संपन्न होगी जिला सैनिक बंधु की बैठक।
और याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सपाइयों ने मनाया उनका 91वां जन्मदिन, किया श्रद्धा सुमन अर्पित। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन के लिए करिए हमारा इंतजार और दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।